बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइडबुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। बिहार के जमुई जिले के चंद्रदीप थाना क्षेत्र के अंतर्गत महतपुर गांव निवासी पवन सिंह के पुत्र प्रियरंजन उर्फ गोलू की कोलकाता मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में फंडे से झूलता हुआ शव संदेहास्पद स्थिति में मिलने के बाद परिजन ने हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि हॉस्टल प्रबंधन और कोलकाता पुलिस ने इसे आत्महत्या बताते हुए कागजी प्रक्रिया पूरी कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है, लेकिन शव जमुई पहुंचते ही बुधवार की सुबह लोग आक्रोशित हो गए और शव को जमुई नवादा मुख्य मार्ग पर चंद्रदीप चौक के पास रखकर सड़क जाम कर दिया और परिजनों ने आत्महत्या की बात को इनकार करते हुए हत्या का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। सूचना मिलने के बाद जाम स्थल पर पहुंचे चंद्रदीप थानाध्यक्ष मोहम्मद हलीम के द्वारा आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लोग एसपी डॉक्टर सौर्य सुमन को बुलाने की मांग पर दो घंटे से अड़े हुए हैं। मृतक छात्र के पिता पवन सिंह ने बताया कि हर रोज पुत्र से उनकी बातचीत होती थी, कभी विवाद नहीं हुआ, नहीं तो ऐसा लगता था कि वह तनाव में है तो फिर आत्महत्या वह कैसे करेगा। उन्होंने कहा कि उनका पुत्र प्रियरंजन उर्फ गोलू पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा तेज था, किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, इस वजह से उसकी हत्या ही की गई है और आत्महत्या का रूप उसे दिया जा रहा है। उस स्कूल में रैंगिंग भी होती है, जिस वजह से इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे जो जमुई नवादा मुख्य मार्ग है वहां पर चंद्रदीप चौक के पास, वहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो छात्र हैं सड़कों पर उतर गए हैं, स्थानीय लोग भी सड़क पर उतर गए हैं और वहां पर जो न्याय है उस न्याय की वजह चल न्याय की खातिर वहां पर मांग करने लगे और अधिकारियों के आने की मांग करने लगे। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे की हत्या हुई है और जल्द से जल्द इस पर जांच होनी चाहिए, कोलकाता पुलिस मामले का खुलासा करे, नहीं तो यह आंदोलन और उग्र होता जाएगा। क्या है सर आपको? कोलकाता में मेडिकल का तैयारी कर रहा था ये लड़का, जैसा कि प्रियरंजन नाम है इस लड़का का, मेरे एरिया का है। अब इसकी मृत्यु वहाँ हो गई, जिस संबंध में वहाँ FIR वगैरह हो चुका है और केसेज नेचर ऑफ केसेज की जानकारी अभी पूर्णतः प्राप्त नहीं हो पाई है। प्राप्त होने पर जो हमारे स्तर से कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की बात होगी, मैं कोऑर्डिनेशन स्थापित करके जो सहयोग होगा मैं करूँगा इन्वेस्टिगेशन सर, इसे न्याय दिलाने के दिशा में अंतर कार्रवाई की जाएगी, मेरा सहयोग रहेगा। धन्यवाद। देखिए सर, मेरा बच्चा NLB पर कटा में पढ़ता था, जो कि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, पेजिस इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वहाँ पर रैगिंग झमके होता है। मेरे बच्चे के साथ रैगिंग हुआ और रैगिंग इतना हुआ कि मेरा बच्चा एकदम टूट गया। उसके बाद वो हाई ऑनलाइन कंप्लेन भी किया था, लेकिन इन लोग मैनेजमेंट वाला, कॉलेज के मैनेजमेंट वाले ने मिल करके इसको रफा दफा कर दिया। और उसके बाद ये जो अभी घटना घटी है, कल रात में वो पार्टी था 19 तारीख को पार्टी में लोग तैयारी कर रहे थे। मेरा बेटा एंकरिंग का रोल अदा कर रहा था, मैं जैकेट वगैरह नहीं भेजा था, लेकिन वो लोग वहाँ के प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई किया गया कि नहीं? कार्रवाई वहाँ सब मैनेजर था, ना पुलिस का एक्शन है, ना मैनेजमेंट का, किसी का कोई एक्शन नहीं है सर। उसको ये मामला हत्या का है सर, लेकिन वहाँ पर सुसाइड का किया गया सर, ये मामला हत्या का, हमें इंसाफ चाहिए सर। और मेरा ये कहना है कि क्या हम बिहारी लोग बेकार हैं? केवल बिहारी लोग, केवल बिहार में ही पड़ेगा, बाहर में नहीं पड़ेगा क्या? बिहार में सुरक्षा चाहिए और हमारे सभी जितनी जनता है, सभी के बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, सबको इनकलाब जिंदाबाद लगाना चाहिए कि हमारे बच्चों को सुरक्षा मिले सर, हम यही चाहते हैं। यहाँ के स्थानीय प्रशासन आए हैं आपके पास? अभी आकर के गए हैं, तो बोलेंगे कि हम तो आपको संपर्क करने के लिए तैयार हैं,
आप लोग बेकार यहाँ पे जाम किए हुए हैं। तो जब तक सर डीएम सीएम पीएम नहीं आएंगे यहाँ पे, एसपी नहीं आएंगे सर, हम लोग खाली नहीं करेंगे यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पवन कुमार। आप मृतक के कौन हुए? मैं उनके पिता हूँ। रोड को जाम इसलिए किया गया, ये पड़ता है NILD में, कोलकाता इंस्टीट्यूट था ये। वहाँ पे क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा इसका रैगिंग किया जाता था। इसने एंटी रैगिंग नाम का एक कंप्लेन साइट होता है, उस पर इसने कंप्लेन किया। वहाँ पे क्या किया गया कि कॉलेज के द्वारा एंटी रैगिंग वाले आए, उसके बाद उसको मैनेज कर दिया गया। मैनेज करने के बाद वो जिस सीनियर के खिलाफ इसने कंप्लेन किया, उन लोग को सिर्फ सस्पेंड किया गया, वो भी सिर्फ एक मंथ के लिए। उन लोग को रेस्टिकेट कर देना चाहिए था हमेशा के लिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसके बाद उन लोगों ने और भी ज़्यादा टारगेट किया इसको। उसके बाद इसका बाल कटवा दिया गया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया इसे। उसके बाद ये इतना ज़्यादा ये किया है। तो फिर कोई प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई? कुछ भी नहीं किया गया है। वो लोग तो बस ऐसे ही इधर उधर कर रहे थे और टाइम पास कर रहे थे, कुछ भी नहीं किया गया किसी के द्वारा। आप अभी 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 आपका क्या मांग है, अभी क्या करना चाहते? जस्टिस चाहिए मुझे, इंसाफ चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? सुप्रिया रंजन। क्या है जो इंसिडेंट 29 नवंबर को हुआ है, एक्चुअली उसके इवनिंग में हम लोगों से बात हुआ है। उसके कॉलेज में 29 को ही फ्रेशर पार्टी था, उसमें इसको एंकरिंग करना था, लीड कर रहा था अपने बैच को पूरा यही। तो इवनिंग में बात किया, मेरे को बोला कि भैया बिजी हैं थोड़ा, मेरे को एंकरिंग करना है कल, तो मेरे को छोड़ दो, कल बात करेंगे। फिर मम्मी कॉल की, मम्मी से भी बात किया, उसके बाद बोला हम खाना खाने जा रहे हैं। उसके बाद नॉर्मल लाइफ है सब कुछ। उसके बाद डांस प्रैक्टिस के लिए गया, डांस प्रैक्टिस वगैरह किया है। उसके बाद एक मीटिंग था इनका, मीटिंग में भी गया है। उसके बाद विद इन 10 मिनट पता नहीं क्या हुआ इसके साथ, डेथ हो गया इसका। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आँखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। डॉक्टर गोरख प्रसाद BSD हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स कॉलोनी, गौशाला रोड, विजयहाता, सिवान एवं न्यू सेंटर, बगहुत नगर, बरियारपुर, पचरुखी, सिवान। जहां BSD हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गोरख प्रसाद की देखरेख में डॉक्टरों की एक बेहतरीन टीम कर रही है मरीजों का इलाज। वहीं BSD हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट लेकर आया है कम खर्च में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। रन बाय दल सिंगार बाबा मेमोरियल ट्रस्ट। हमारे यहाँ BAMS AM BNYS.DSW DNA ANM डॉक्टर फर्मा BAMS MDEH कोर्स के लिए नामांकन शुरू है। तो आज ही चलें डॉक्टर गोरख प्रसाद BSD हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, BSD हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट सिवा। संपर्क नंबर है 9931503081। वही दूसरा संपर्क नंबर है 9835870298। BMP Max Memorial मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि MBBS MS ऑर्थो है, डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ट रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से, तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903150। सिवान का न्यू भारत बजाज लेकर आया है LPG
सीएनजी, डीजल, पेट्रोल, ऑटो बिल्कुल आसान किस्तों पर। त्योहार के मौके पर विशेष छूट का लाभ उठाएं। आज ही चलें न्यू भारत बाजार, श्रीनगर मैरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 8102724992।